सीधी तस्वीर मॉस्को की दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। प्रियत मस्क्वा, काग देला, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा एक महीना हुआ है। आज से ठीक एक महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण
वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं।
मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या बताइए मैं जो कह रहा हूं सच है कि नहीं है? आप ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? आपको